दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहला जो काम करते हैं और दूसरा जो क्रेडिट लेते हैं। पहला जो काम करते हैं और दूसरा जो क्रेडिट लेते हैं। कहते हैं कि पहली जगह पे ही रहना चाहिए क्योंकि वहां भीड़ कम होती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंदिरा गांधी जी के शब्द हैं। मुझे याद है, मैं जब अंदर आ रहा था तो बहुत सारी बुक्स जो बचपन में पढ़ी थी वो याद आ गई। आपका जो स्लोगन है बुनियाद, वो अपने आप में बहुत भारी शब्द है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि पंडित नेहरू जी ने एक बार लाल बहादुर शास्त्री से एक सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ा होगा तो रिवाइज हो जाएगा। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री से एक सवाल पूछा कि लाल, कभी ताजमहल देखा है? तो उन्होंने कहा हां जी देखा है। तो बोले क्या पसंद आया? बोले ताजमहल का पत्थर बहुत शानदार है। और क्या पसंद आया? बोले नक्काशी बहुत अच्छी है। और क्या पसंद आया? संगमरमर बहुत खूबसूरत है। और क्या पसंद आया पूछे? तो बोले जमुना जी बिल्कुल बगल में बहती हैं। तो पंडित जी कह रहे पूछते रहे और लाल बहादुर शास्त्री इस तरह से ताजमहल के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहे। आखिरी में नेहरू जी ने बोला कि लाल, अगर जीवन में कुछ बनने का मौका मिले तो ताजमहल की बुनियाद का पत्थर बनना, जिसको किसी ने नहीं देखा लेकिन वही पत्थर 400 साल से उस इमारत का बोझ अपने कंधों पर लेकर खड़ा हुआ है, जिसको कोई देखता नहीं है लेकिन सारा का सारा काम वही करता है। तो दो तरह के लोग, एक जो काम करते हैं, दूसरा जो, तो हमेशा पहली जगह रहना, वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत